वो एक ऐसे मामा थे कि वो अमीरों को लूटते थे और गांव में गरीबों को बांटते थे। और अब देश में एक ऐसा मामा है कि वो गरीबों को लूटता है और अमीरों को बांटता है। आज है टंट्या मामा का बलिदान दिवस। बीजेपी इंदौर में बड़ा आयोजन करने जा रही है। भाई और बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है, हम जिंदगी बदलते रहेंगे। एक नाम है मामा 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 कंडू मामा करके, बस उसके बाद में तो गांव का कोई विकास है नहीं, सिर्फ एक मोहरा है हमारा। आदिवासियों के मसीहा भगवान टंट्या भील, जिन्हें इंडियन रॉबिन हुड नाम से भी जाना जाता है, 1842 के बाद से जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस टाइम में हमारे जननायक आदिवासियों के टंट्या भील, उन्होंने बिना हथियार के 17 साल अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से भगाया। लेकिन आज हम उनके गांव, उनकी जन्म स्थली बड़ौदा हीर में जाके देखें, टंट्या मामा हमारे आजाद आजी था। टंट्या मामा में चारवीं पीढ़ी चाह नेता लोग आते हैं, बोल देते हैं इनको रैली में ले जाओ, हमको रैली में फिराते हैं, कपड़े मपड़े पहराए जा देते हैं, अब तहे काम लोटी करते चले जा देते, मारा पैसे छोड़ जा देते। जो इतना बड़ा मंदिर हमारे गांव में बना हुआ है, पर गांव में सब गंदी वाड़ा है हर जगह जगह। यहाँ सीएम साहब इतने रुपए खर्च कर रहे थे एक अस्पताल बनवा दे, जो आने में खर्चा लग रहा है ना, वो खर्चे से हमारे गांव में अस्पताल बन सकती है, स्कूल बन सकती है, नल जल योजना हो सकती है। गांव की पूरी नाली होना चाहिए कि गंदगी गांव के बाहर करो। अच्छी कंपनी खोल दो कि हमारे गांव वाले किधर जाए नहीं, कि टंट्या मामा का नाम रोशन हो, कि गाँव ऐसा है। ये गाँव को बस लावारिस छोड़ दिया है, कोई भी अधिकारी आता है ना तो बस टंट्या मामा के मंदिर तक आता है। कामन नहीं हमारे गांव में, तो क्या अब इंसान पूरे घर पे बैठे क्या खाएंगे हम। बड़ौदा का नाम अभी पूरे मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। क्या है ये टंट्या मामा जैसे हमारे वंशज है, उनको ले जाते हैं मंच पे, फोटो मोटो खींच लेते हैं, उनका स्वागत कर देते हैं और उनके हाले पे छोड़ देते हैं। उनके घर की हालत अभी तुम देख लो कि जैसे कोई बिल्कुल गरीबी हालत में रह रहे, ना उनको बच्चों को लाभ मिला ना उनको। टंट्या मामा के वंश थे तो वो गैस टंकी थी तो भराने के लिए पैसे नहीं आए तो क्या भरवाऊं। जिनके कारण सीएम 6 बार आ चुके हैं 2 साल में, तो सोच लो कि उनका जो हाल है तो फिर हमारे गांव का हाल क्या है। अभी भी सीएम साहब आए थे तो हम अड़ाव फिरे थे कि सीएम साहब एक बार हमारा गांव देख लो, पर कलेक्टर साहब नहीं बोल गए, हमारे अड़ाव फिर गए, हमको ऐसे तरह से रखे कि जैसे आदमी कोई जेल में रखता है ना, कि कोई अधिकारी आ रहा है तुम जेल में ही रहना ही रहना, वैसे हमको गांव वालों को पैक कर दिए थे कि कोई समस्या मत बताना। अभी बरसात का पानी खाले नाले उनका पीते हैं, उसके बाद में खत्म हो जाता है तो 1-1 किलोमीटर दूर से भर के लाते हैं। एक बार खाने की जुगाड़ है हमारे पास, पर पानी पीने की नहीं है। कंट्रोल लेने भी हम बाहर जाते हैं, अभी वहाँ धांधल रहती है तो फिर वो पीछे भी आना पड़ता है। गांव में कंट्रोल रहती है तब हम काम करके आए, जैसे गए तो कोई भी महिला भी लेके आ जाती है। और हमारे घरों की स्थिति इतनी बेकार है कि कोई मेहमान आएंगे तो पानी तक नहीं पीते। और गांव में तुम फिर के देखो कि गांव की क्या स्थिति है और क्या कंडीशन। आंगनवाड़ी टूट गई, बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, महिलाओं भी बाहर शौचालय करने जाती है। और स्कूल भी पूरी तरह से भंगार है, स्कूल भी 5वीं तक ही है। छठवीं से फिर बाहर जाना पड़ता है, वो बस्ता टांग के जाते हैं, वजन भी लेके जाते हैं, तो फिर उनको दिक्कत आती है। हम बोलते हैं हो जाएगा, कुछ भी नहीं यहाँ का होता। जहाँ तक तो ऐसा लगता है कि सीएम साहब भी ये गांव पे ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने कम से कम 2017-18 में आए थे ना, जब बोला था कि मैं बड़ौदा को स्मार्ट गाँव बना दूंगा, तो स्मार्ट गांव तो नहीं बना पर गंदा गांव बन गया है। क्योंकि सीएम साहब हेलीपैड से आते हैं, मंच पे जाते हैं और तुरंत हेलीपैड से चले जाते हैं। और यहाँ एक आदिवासी लोग हैं, गरीब से गरीब है नहीं, यानी गरीब से गरीब होते हैं।
कोई महिला अगर गर्भवती है तो उसको भी 8 किलोमीटर दूर पे ले जाना पड़ता है। 8 किलोमीटर जब गाड़ी भी जाती है तो रास्ता भी इतना खराब है कि अगर भाई डिलीवरी वाले जाए ना तो रास्ते में उसको कुछ भी हो जाए पर गाड़ी नहीं 8 किलोमीटर दूर पे भी पहुंच पाई। जो 18 साल से नहीं निकला था वो सीएम साहब ने तुरंत राहुल जी के एक दिन आने से पहले लेटर जारी कर दिया कि रोड पास हो गया। जब रोड ही पास हो गया था तो फिर इतने दिन क्यों नहीं हुआ था? आदिवासी का मतलब क्या है? हिंदुस्तान का ओरिजिनल मालिक जो है वो आदिवासी है, इस शब्द का ये मतलब है। अब बीजेपी के लोग कहते नहीं भैया आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो। आई बिलीव वेरी स्ट्रॉन्गली दैट योर कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइबल वेज ऑफ थिंकिंग आर नॉट जस्ट प्रिजर्व बट आर एक्सपेंडेड। इन फैक्ट यू आर द ओरिजिनल कल्चर ऑफ दिस कंट्री। हमारे लिए आप वनवासी कभी नहीं होंगे, इस देश के आप पहले मालिक हो। जो राहुल जी ने बोला ना कि तुम लोग आदिवासी हो और सीएम साहब ने ये बोला है कि तुम वनवासी हो, हम वनवासी नहीं है, हम आदिवासी है। और उनका विचार ये है कि इनको वनवासी कर दे, इनको जंगल का ही राज दे दे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे।